Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So finally, you are beginning your journey to a dream career ahead, right? So congratulations for that, right? सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए और उतना ही proportion में effort करना चाहिए. That is very important, right? So अब हम क्या कर रहे हैं हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ओरिएंटेशन सेशन करेंगे तो जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो आई एम श्योर क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अब बहुत ज़्यादा रीडिंग का है नहीं अगर आपका बैकग्राउंड रीडिंग का है तो आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत एडवांटेज तो रहेगी वी ए आर सी में एंड जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं 2023 में भी ऐसा हुआ कि क्वांट डी में डिफ़िकल्टी लेवल को ूटली अनदर लेवल पे लेके गए बट वी ए आर सी को मॉडरेट रखा राइट right? और बहुत सारे क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने भी पेपर अटेम्प्ट किया था तो बहुत सारे क्वेश्चन नॉट स्पीकिंग एज अ टीचर बट अगर एक एस्परेंट की तरह मैं देखूं तो आराम से हमारे पास 12 से 16 सवाल थे जो डूएबल थे बहुत ईजिली मैनेजेबल थे अगर आपने सफिशेंटली प्रैक्टिस किया है तो राइट right? तो पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो मैम हमारे पास प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी हैं तो अब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ कवर कर रही हूँ और कैट असेंशल्स में भी और हमारे मेन बैचेस में भी इंश्योर करेंगे कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को यू you नो know, एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर सके सॉर्ट कर सके तो क्या प्रॉब्लम्स हैं एक प्रॉब्लम ये कि मैम पैसेज में फोकस नहीं इस्टेब्लिश होता समझ नहीं आता मोमेंटम नहीं बैठता ऑनलाइन रीडिंग स्ट्रगल्स हम पूरा पैसेज पढ़ लिया मेन आइडिया प्राइमरी पर्पस समझ ही नहीं आया या पूरा पैसेज पढ़ लिया और कुछ समझ नहीं आया या मल्टीपल टाइम्स पूरे पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी राइट तो इन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे तो एक मैं आपका सेशन लूँगी आज तो ओरिएंटेशन सेशन है तो आज मोर और लेस वी विल बी कवरिंग व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन आर अपकमिंग सेशंस तो मैं एक सेशन लूंगी जहाँ पे डिटेल में आपको बताऊँगी कि पैसेज को कैसे हैंडल करें पैसेज को कंट्रोल में कैसे लेकर आए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कहते हो ना कि ये दो चॉइसेस में कंफ्यूजन है ये आपने सुना भी होगा अपने सीनियर से या इन जनरल भी ऐसा तो नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आपने पहले कभी करे ही नहीं है मेजर डाउट कि दो प्रॉब्लम्स में फंस गए मैम हम तो वो दो प्रॉब्लम्स में कई बार इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती तो ये पहली क्लास से बता रही हूँ और आखिरी दिन जब पेपर देने दोगे तब भी कहूँगी कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसिस तो हम एक ऐसा सेशन भी करेंगे इसी कैट असेंशियल सीरीज में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कैट देता है किस तरह से आपको उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है कैसे इंटरप्रेट करना है और एंड गोल क्या है उस क्वेश्चन का क्वेश्चन आपसे जानना क्या जाता है राइट तीसरा कि हम इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाएंगे जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स वर्बल में कई बार यू नो करेक्ट आंसर चॉइस को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं विच इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी क्योंकि ऐसा है कि क्वांट में तो यूनिक आंसर्स हैं अब अगर हम सब बैठ के क्वांट की कैलकुलेशन करें से, बेसिक से कैलकुलेशन करें सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन तो यूनिक आंसर आता है पर अगर हम सबको एक पैसेज समझ में आता है और मैं कहूँ कि इस पैसेज का आप मुझको यू नो मेन आइडिया बता दो या समरी बता दो या प्राइमरी पर्पज बता दो तो आप अगर दस लोग एक साथ बैठ के क्लास देख रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं तो दस अपने तरीके से दस अलग अलग सेंटेंसेस को फ्रेज करेंगे राइट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो किसी का भी सेम नहीं होगा इसलिए यूनिकनेस नहीं है तो आपका राइट right अप्रोच क्या होना चाहिए कि इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करें और जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है तो मैं आपको समझाऊंगी ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन राइट तो ये तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अराउंड ये असेंशियल सेशनस हमारे होंगे ही जो स्कैट असेंशियल सीरीज में हम डिस्कस भी करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशनस हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि मैम आप थ्योरी मत पढ़ाओ आप तो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करवाओ राइट तो आपको स्ट्रेटेजी तो पता होनी ज़रूरी है ना तो इट इज़ नॉट सम थिंक दैट यू शुड टेक लाइटली राइट दिस ज्ञान इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड फाउंडेशन सेशन में हम यही कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान सॉलिड हो जाए आपकी स्ट्रैटेजी सॉलिड हो जाए क्योंकि फिर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है और आपको ये सारी छोटी डिटेल्स पता होती हैं तो आप देखोगे कि आपकी इफेक्टिवनेस आएगी कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स थाउजेंडस ऑफ थाउजेंड पैसेजेस कर लेते हैं और फिर भी उनको एक्रेसी नहीं आ रही होती और कई बार आप दस पैसेज भी समझदारी से कर लो ध्यान से कर लो तो भी आपका ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हो जाता है राइट right? तो चलिए फिर सेशन को बिगिन करते हैं माय नेम इज़ जूही नरूला आई विल बी डीलिंग विद योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन सम पोर्शंस ऑफ वर्बल एबिलिटी सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन तो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगी मैं आज की क्लास में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगी कि आप कैसे बिगिन कर सकते हो वॉट आर द सोर्सेज ऑफ रीडिंग वट आर द गुड बुक्स दैट यू कैन बिगिन विद राइट वट आर द मेजर मिस्टेक्स दैट यू डू वॉट आर द मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड और एंड में इन सब डिस्कशन के बाद हम एक्चुअली एक कैट का पैसेज सॉल्व करेंगे राइट तो आई होप द रोड मैप ऑफ द सेशन इज क्लियर टू एवरीबडी सो माई नेम इज़ जूही नरूला आई हैव डन माई इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो माई मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मोर देन now almost 12 and a half 13 years of uh, training young minds and uh, thousands and thousands of students have trained and uh, so far very contented as a teacher also a content creator right so that's a quick quick about me um chalye, ab, Aaj ka session go begin karte to सबसे पहली इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि रीड करिए राइट हम बार बार स्टूडेंट्स को कहते हैं रीडिंग करिए होता क्या है कोई भी अनकन्वेंशनल पैसेज एग्जाम में आ गया तो आप डील कर पाओगे अगर आपके बेसिक सॉर्टेड है हम ना एक टर्म बार बार आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी जो कैट का एग्जाम है वो अनसर्टन है राइट right? अनसर्टन है मतलब किसी भी तरीके का पैसेज आ सकता है जैसे क्वांट में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ गए थे ट्वेंटी में राइट right? तो अनसर्टनिटी को ओवरकम करने का तरीका क्या होता है कि मेरी फाउंडेशन सॉलिड हो राइट right? मुझे अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो राइट right? अब जैसे किसी को अगर कार चलानी अच्छे से आती है जैसे कोई बिगनर है जिसको अच्छे से नहीं आती जैसे मुझे अच्छे से नहीं आती तो तुम तो मुझे ऐसे कहीं हिली टेरेन पे कह दोगे या बहुत ट्रैफिक वाली जगह पे कह दोगे या कहीं यू uh, नो you know, कहीं पतली सी तंग गली में कह दोगे कि यहाँ पे कार चलाओ तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ या आई आई गेट स्टक देर बट अगर कोई प्रोफेशनल uh, जिसको अच्छे से कार चलानी आती है वो किसी भी सिचुएशन में कार चला लेगा है ना ये थोड़ी सी एनोलॉजी uh, स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए आपको ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी आ जाए आप कर सकते हो राइट right? अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो राइट right? अगर आपकी फाउंडेशन आपकी नींव मजबूत है तो तब आपको दिक्कत नहीं आएगी हाँ ऑफकोर्स इट इट इज नॉट एज ईजी एज इट इज टू ड्राइव ऑन अ स्मूथ रोड बट इफ यू नो इट वेल यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट यू नो नैरो स्ट्रीट और यू विल बी एबल टू ड्राइव ऑन द दिली टेरेन इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी बट यू विल बी एबल टू डू इट राइट तो हम अपनी प्रेपरेशन में यही बार बार कह रहे हैं कि यू बी प्रिपेयर फॉर एनी अनसर्टनिटी दैट इज देयर इन द एग्जाम एंड हाउ डू यू गेट प्रिपेयर वेन योर फाउंडेशन स्ट्रांग तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपको ये है कि आपको रीड अबंडली करना है क्योंकि तो आप एक बार क्वेश्चन का फॉर्मैट देखो आर सी चार आर सी आ रहा है राइट right? तो so, ये ट्रेंड चला ही आ रहा है अब मेरे को पता नहीं अब रिसेंट आने वाले कमिंग ईयर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं हटाएंगे राइट right? uh, कितना भी अनसर्टन हो जाए आर सी आई गई चार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से चार सवाल आ रहे हैं ये स्टैंडर्ड है और बाकी अगर तुम वर्बल एबिलिटी के भी क्वेश्चन देखो ना पैरा पैराजम्बल यानी पांच या चार सेंटेंसेस दे के दे दिए मिक्सअप करके उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है पैरा समरी एक पैराग्राफ दे रही है उसकी समरी निकालनी है पैरा कंप्लीशन एक एक पैराग्राफ है उसके में एक ब्लैंक है और एक स्टेटमेंट को वहाँ पे इंसर्ट करना है और ऑड वन आउट ऑड वन आउट में क्या हो रहा है कि आपको दे दिए उन्होंने पांच uh, सेंटेंसेस चार पैराग्राफ बनाएंगे एक उस कॉन्टेक्स्ट में फिट इन नहीं होगा तो जो उस पैराग्राफ में फिट इन नहीं हो रहा वो ऑड वन आउट का सवाल हो गया तो इस बार क्या हुआ हर कैटेगरी से उन्होंने दो सवाल दे दिए ने देखा पैटर्न अब इन सब में एक चीज़ क्या कॉमन है कि सारे क्वेश्चंस पैरा बेस्ड है यानी कि रीडिंग तो सॉलिड होना जरूरी है तो अगर आप रीड कर रहे हो आप अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेंथन नहीं कर रहे आपको इतना एडवांटेज मिलेगा वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी आपको समझ में आएगा फ्लो ऑफ आइडिया कैसे चल रहा है राइट आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंसर्टेड जो स्टेटमेंट होगा उसको रोल क्या होना चाहिए राइट तो ये आप हर बार हर पैसेज से बेहतर होते जाओगे राइट सो माय फर्स्ट एडवाइस इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आज ही इसको इम्प्लीमेंट करिए तुरंत इम्प्लीमेंट करिए पंद्रह से बीस मिनट की रीडिंग ज़रूर करिए आप किसी भी स्टेज पे हो अगर आपको लगता है कि मैं तो प्रो हूँ मैं तो चैम्पियन हूँ रीडिंग की यू नो कई बार हमको बहुत शौक होता है नॉवेल्स पढ़ने का देर आर यू नो

जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ रीडिंग पे तुम उस तरह के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो और पीपल हु आर बिगनर्स मतलब जिनको तो बहुत ही डर लगता है आपके लिए एडवाइस ये यू स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू फाइंड ईजी राइट right, जो आपको आसान लगता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है जैसे अगर आपको एक यू नो धोनी में इंटरेस्ट है धोनी का कोई आर्टिकल पढ़ लो राइट right, धोनी के ऊपर आपको विराट कोहली ज य रोल मॉडल उस पर कोई आर्टिकल पढ़ लो राइट right? या फिर जैसे कोई इवेंट चल रहा है जैसे रिसेंटली uh, अः वर्ल्ड कप का इवेंट हुआ उस पर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो राइट या फिर इलेक्शंस आ, आ रहे हैं उस पर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो या टनल में अभी लोग फंस गए थे और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ क्योंकि तुमको इवेंट तो याद है तुमने न्यूज़ में पढ़ लिया चर्चाएं सुन ली घर पे भी डिस्कशन हो रहा होगा राइट तो आपने कहीं ना कहीं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली तो आपको समझ में आ गया बात क्या हो रही है तो अगर आप इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ोगे आप एसोसिएट कर पाओगे रिलेट कर पाओगे और जब आप रिलेट कर पाओगे असोसिएट कर पाओगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इंटरेस्ट पड़ेगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब मैं थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल या थोड़े से एडवांस रीडिंग पे जा सकती हूँ राइट right? या जा सकता हूँ तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीपल हु फाइंड इट हार्ड टू रीड ये जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू फाइंड ईजी राइट एंड देन ग्रेजुअली कीप ऑन एडिंग द टॉपिक्स अगेन अगर मेरे को सपोज uh, मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स के बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ यार थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी है पॉलिटिकल आर्टिकल्स पढ़ूंगी या फिर मुझे लगता है यार मेरा इंटरेस्ट तो हिस्ट्री में हिस्ट्री का पढ़ा फिर मुझे लगता है यार मेरा थोड़ा इंटरेस्ट तो फाइनेंस के टॉपिक्स में फिर फाइनेंस पर जाऊँगी ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा सा पढ़ना चालू किया कॉन्फिडेंस आया मैंने कल लाओ जी फिलोसफी लिया अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो बढ़िया है बट इफ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट ग्रेजुअली राइट पहली सी से दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत रहती है उनको चढ़नी नहीं है सारी सीडियाँ उनको सीधा दसवीं पर जंप मारना है तो ऐसे तो नहीं होगा राइट सो यू हैव टू बी पेशेंट यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज द बार उससे क्या होता है धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल पता चलता जाता है और आपको यू नो यू बिकम टू इट यू बिकम एकड टू इट बट अगर आप सीधा फर्स्ट से फिफ्थ पे जंप मारोगे तो फिर आप कहीं तो गिरोगे है ना सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट तो ये मेरा आपको डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन है कि आप अबंडेंट रीडिंग करिए यहाँ पर आप कोई भी तरह का यू नो हेजिटेशन मत रखें ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और हर जगह हेल्प करेगा रीडिंग मेक्स यू अ गुड स्पीकर रीडिंग हेल्प्स यू एनहांस योर वोकेबलरी रीडिंग हेल्प्स यू इन जी के अगर आप ओमेट्स के एग्जाम दोगे आपका जी के सॉलिड होना जरूरी है राइट इट मेक्स यू अ वाइज इंडिविजुअल चार लोगों के बीच में बैठ के अगर किसी टॉपिक पर आपकी कमांड है आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है आप बात कर पाते हो राइट right? कई बार एग्जाम में हमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए तो रीडिंग आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को तो एनहांस करता ही करता है और आपको कैट में वो सॉलिड बना देगा आप सोचिए तो अगर आप बीस मिनट रोज रीडिंग कर रहे हैं मतलब कुल मिला के चार आर्टिकल्स तो एटलीस्ट रीड कर रहे हैं दो भी कर रहे हैं अगर हम माने तो कितने दिन है अगर ऑलमोस्ट अभी आपके यू you नो know, नवंबर अभी खत्म हुआ है दिसंबर में आप ये वीडियो देख रहे हो राइट सो यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट नवंबर तक आपके पास खूब टाइम है तो अगर आपने दो से चार की भी आर्टिकल्स पढ़ने की भी एक हैबिट बिल्ड कर ली तो कितना पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा राइट right? जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है बट कंसिस्टेंट जरूर रहेगी यहाँ पर मैं आपको सबको सलाह देती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की हर जगह ही है राइट इट इज नॉट ओनली इन यू नो योर स्टडीज बट इन एनी डोमेन इफ यूर कंसिस्ट टली नहीं दिखते बट ग्रेजुअली इन द लॉन्गर रन डेफिनेटली दिखते और अभी आप मे बी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे पर आपका काम क्या है कि प्रोसेस पे फोकस करना राधा देन ऑन द रिजल्ट राइट सो दिस इज माई फर्स्ट सजेशन मैंने बहुत डिटेल में इस पॉइंट की बात करी है ताकि आप इफेक्टिवली समझ जाए कि रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है राइट नेक्स्ट uh, आपको वर्ड्स जानने जरूरी है राइट वो बिल्डिंग को हल्के में ले लिया जाता है इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि कैट में कोई डायरेक्ट सवाल आता नहीं है वो का तो बच्चे पूछते हैं मैम को क्वेश्चन तो आता नहीं है क्यों वो बिल्ड करनी इसलिए करनी क्योंकि अगर इस तरीके का को कोई पैसेज वर्ड्स आ गए आपके उसमें ना पेपर में तो आपको तो समझ ही नहीं आ रहे राइट आपके लिए तो ये यू नो नॉट अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स की कैटेगरी में आ गए तो आपको समझ ही नहीं आ रहे तो आप कहीं ना तो आप कहीं आपको यू नो स्पीड ब्रेकर का काम करता है तो मैं ऐसे भी समझाऊंगी कि ऐसे घबराना नहीं है हर नया वर्ड देखे कई बार कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बात बन जाती है कई बार नहीं बनती और कई बार हम घबरा ही जाते हैं यार इसका मीनिंग तो नहीं पता तो अगेन वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए आप मल्टीपल अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हो एक तो एक बहुत शानदार बुक है वर्ड पार मेड ईजी ठीक है। नॉर्मन लुइस की किताब है ये आ, हमारी टीचर कहती थी कि उनको उनकी टीचर ने रेकमेंड करी हमें हमारी टीचर ने करी हम आपको कर रहे हैं राइट और मे बी आप यू नो यू विल कैरी इट फॉरवर्ड तो बहुत ही अच्छी किताब है बहुत लॉजिकल किताब है राइट रट्टा नहीं मारना तो पहला सजेशन क्रैमिंग तो नहीं करनी इससे तो बिल्कुल बिल्कुल टाइम ख़राब करने वाली बात है आप ये सोचो मैं बीस वर्ड रोज़ अट्टे मार के याद कर लूंगी कतई अप्रोच काम नहीं करने बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं होगा तो पहले ही रूल्स क्लियर कर रहे हैं हम है ना तो आप क्या कर सकते हो यू कैन टेक दिस बुक ये बेसिकली रूट वर्ड अप्रोच पे काम करती है तो जैसे मैं आप तुमको आ, अपने कई नहीं स्मॉल टाउन्स में ऐसा बड़ा अभी भी ट्रेंड है कि कई ट्रेनर्स ऐसा या टीचर्स ऐसा करते हैं कि आओ तुम एक एक घंटे में तुमको हम हज़ार वर्ड सिखा देंगे अब ऐसा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साउंड करता है ना बट ऐसा एक्चुअली

ठीक तो तो है तो बैन तो पॉजिटिव रूट है इडिक्ट ई डी आई सी टी इसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग स्टेट समथिंग मतलब कुछ बोलना तो किसी के बारे में तुमने अच्छा कहा मैं तुमको कहूँ जीते रहो खुश रहो वो क्या हो गया ब्लेसिंग हो गई बेनेडिक्शन बन गया चलो दो वर्ड बन गए है ना एक हमने बेनोवलन सीख लिया विच इज काइंड एक हमने बेनेडिक्शन सीख लिया राइट अब यहाँ पे मैंने क्या किया मैंने कहा कि यार मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करना चाहती हूँ तो ऐसा करते हैं हम बैन की जगह मैल लिख देते हैं ठीक है मैलोवलंट तो वो इसका ऑपोजिट हो गया मैल न्यूट्रिशन सुना है ना तुमने वर्ड है ना कुपोषण तो जो हिंदी वाली कु उपसर्ग और प्रत्यय सेम कहानी चल रही है अब यहाँ पे कहा मैंने कहा कि चलो इस यहाँ पे भी बैन हटाओ और मैल लगा दो चार वर्ड हो गए मैलेडिक्शन हो गया कर्स बेनेडिक्शन क्या थी ब्लेसिंग और मेलेडिक्शन uh, क्या हो गया कर्स बेनोवलंट हो गया काइंड मेलोवलेंट क्या हो गया अनकाइंड तो चार वर्ड सीख लिया तुमने चार हो गए चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं इज़ तो बेनिफिशियरी और एक हो गया बेनिफैक्टर अभी कभी देखना तुम्हारे मम्मी पापा या कोई एल की पॉलिसी लेते हैं तो पापा ने ली सपोज तो उसमें एक वर्ड होता है बेनिफिशियरी तो यानी कि कौन उसका फायदा रिसीव करेगा तो बेनिफिशियरी में आता तो है कि मम्मी का नाम लिखते हैं या आपका नाम लिखते हैं राइट सो बेनिफिशियरी इज हु रिसीव्स गुड एंड बेनिफैक्टर इज हु गुड राइट सो so, अब यहाँ पर आपके कितने वर्ड हो गए हो गए एक दो तीन चार पांच और छह वर्ड हो गए राइट अब बेनिफैक्टर की जगह मैल लगा दो तो मैलिफैक्टर हो जाएगा सात वर्ड हो गए राइट अब यहाँ पे इडिक्ट है तो हमने एक वर्ड सीख लिया प्रिडिक्ट

कर पाते हो डेमोक्रेसी जैसे एक दूसरा वर्ड हो गया तो डेम स्टैंड फॉर पीपल राइट और क्रेसी स्टैंड फॉर रूल डेमोक्रेसी क्या होगी गवर्नमेंट बाय द पीपल राइट अब डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पीपल हो जाएगा राइट right? या फिर एरेस्ट्रोक्रेसी हो गया या ब्यूरोक्रेसी हो गया राइट right? सो so, प्लूटोक्रेसी हो गया सो दे आर सो मेनी वर्ड्स विच यू थियोक्रेसी हो गया दी दाई गॉड के लिए सो so इस तरीके से रूट वर्ड अप्रोच एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है जिससे वो कैबलरी बिल्डिंग हो सकती है तो पहला सजेशन है कि आप ये बुक मैंने रेकमेंड कर ही दी है आपको दूसरा रूट वर्ड अप्रोच हो गई तीसरा ये मेरी टेस्टेड अप्रोच है बहुत बढ़िया काम करती है फ्लैश कार्ड्स बना लो आप राइट तो फ्लैश कार्ड कैसे बनाओगे टेक एनी गुड क्वालिटी पीस ऑफ पेपर मैं तो क्या करती थी जो हमें वेडिंग इनवाइट्स आते थे तो हमारे जब हम छोटे थे तब तो वेडिंग इनवाइट्स आते थे ई कार्ड्स और व्हाट्सएप का तो जमाना था नहीं तब बुज़ुर्ग हो गए है ना तो वो हम क्या करते थे वो जब जो, जो लिफाफा होता है जो उसमें एनवलॉब जिसमें कार्ड रखते हैं उसके पीछे का पोर्शन कट करके सॉलिड पेपर होता था क्रम्बल नहीं करता अच्छी क्वालिटी का पेपर लेना ये कहना चाहती हूँ मैं उसमें जो पूरे दिन आपने आर्टिकल्स पढ़े उसमें से कोई पाँच वर्ड जो नहीं समझ में आए या जो नए थे तुम्हारे लिए वो पाँच वर्ड लिख लिए ठीक है ये तुम चाहो तो कोई हफ्ते के एक दिन बैठ के कर लो राइट एक कॉपी में लिखते जाओ और फिर ऐसा आपने पाँच वर्ड लिख लिए हर वर्ड के दो सिनोनिम्स सिनौनिम, मतलब सेम पर्यायवाची, दो ऑपोजिट्स लिख लिए एंटोनिम्स लिख लिए तो कितने वर्ड हो गए एक कार्ड में पच्चीस वर्ड हो गए सिंपल सी गणित है, है ना तो अब हमने तुमने क्या किया ऐसे पांच कार्ड बना लिए तो एक सौ पच्चीस वर्ड हो गए सिंपल मैच कर रही हूँ राइट और इस कार्ड के पीछे तुम्हारा एक कार्ड है इसमें तुमने मेन वर्ड लिखा है जैसे यहाँ पर तुमने बेनोवलंट ही लिख दिया बेनोवलंट को एक सेंटेंस में जब पलट रहे हो ये दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ इट कार्ड को फ्लिप कर रहे हो तो वहाँ पे पांच वर्ड्स के पांच सेंटेंसेस बना लो तो सेंटेंसेस से क्या होता है रिलेट करना समझना याद करना आसान रहता है राइट ऐसे पांच कार्ड बना लो राइट और इसका टारगेट रखो पूरे हफ्ते का तो अब बच्चे कहते हैं कॉपी क्यों नहीं बनाए इसलिए नहीं बनाए क्योंकि सपोज तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो कॉपी ले लेके ऑफिस में तो नहीं घूम सकते राइट पर अगर तुम आ, यू नो स्टूडेंट हो तो कई बार वो कॉपी मिसप्लेस हो जाती रखने है पांच कार्ड रखना है साइज ताश के पत्ते जितना ही रखना है प्लेइंग कार्ड जितना सो दैट यू कैन ईजिली कैरी इट इन योर वॉलेट और पर्स जहां भी टाइम मिल रहा है मेट्रो का वेट कर रहे हो कार्ड्स को रिवाइज कर लिया राइट एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में अभी प्रोफेसर आए नहीं है कार्ड्स रिवाइज कर लिए राइट और यू नो लंच जल्दी खत्म हो गया ऑफिस में हो पर कार्ड्स रिवाइज कर लिए जब तुम रट्टे नहीं मारने जस्ट कीप ऑन ग्लांसिंग एट द फॉर गुड वन वीक और मेरे से लिखवा लो अगर रिलीजियसली करोगे वर्ड ज़िंदगी ज़िंदगी में में, नहीं भूलोगे तुम right? so तो अच्छा टारगेट राइट right? तो एक रूट वर्ड्स आप यूज कर रहे हो फ्लैश तो ये दो स्ट्रेटेजी अभी के लिए काम करनी शुरू करो आई विल गिव यू मोर स्ट्रेटेजीज एज वी वर्क फर्दर ठीक है सो शब्द आना जरूरी है और कैसे बिल्ड करना है और क्या नहीं करना है वो मैंने सिखा दिया है राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमें ये जरूरी है कि हमें रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन बच्चों दो वर्ड्स का है, है ना रीड भी करना है और कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना राइट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं रीडिंग रीडिंग पे फोकस करते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे नहीं करते वो ज़रूरी है तो कैसे बिगिन करेंगे उसका बिगिन करने का ये तरीका है सबसे पहले कि आप कोई भी पैसेज को जब पढ़ रहे हो कोई आर्टिकल को पढ़ रहे हो राइट right? उसका ना छोटा सा जैसे ही आपने पैसेज खत्म किया ना उसकी एक छोटी सी समरी बना लो या उसमें लिख लो कि यार क्या की पॉइंट्स थे इस पैसेज के राइट या ऑथर का पर्पज़ ऑफ राइटिंग क्या था राइट right? या इस पे ऑथर अगर सवाल बनाए अगर एग्जाम में कैट हमारे लिए सवाल बनाए तो किस किस तरह के क्वेश्चन बना सकता है राइट right? जैसे कोई आ, कोई एक टेक्निक के ड्रॉबैक्स दे दिए तो कान से चार ड्रॉबैक्स जैसे तो टनल वाला ही इंसिडेंट हुआ ही, इसका रीजन क्या था अगर आर्टिकल में मैंशनड है तो, तो आप अपनी तरफ से ट्राई टू इम्ब्रेस ये कहते हैं एक्सेप्ट कर लो पैसेज को इम्ब्रेसिंग इट राइट right? एक्टिव रीडिंग यही कहते हैं जब आप पढ़ो समझने के लिए दैट इज एक्टिव रीडिंग पैसिव रीडिंग तो चल बस निकाल लिया और समझ नहीं आ फिर उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा राइट right? फिर तुम क्या कर रहे हो ये एक और इम्पॉर्टेंट मंत्र स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो एफर्ट्स करते हैं बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं जो एफर्ट्स करते हैं बट एफर्ट से सक्सेस नहीं मिलेगी कैट में तो फिर कैसे मिलेगी एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन ठीक है सो यू हैव टू पुट द एफर्ट में ये नहीं कह रही बिना मेहनत के काम हो जाएगा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता पर सही दिशा में करनी ज़रूरी है तुमने खूब आर्टिकल्स रीड कर लिए टाइम लगा दिया पर एक्टिवली नहीं करे सोचा नहीं विचार नहीं किया उस पर इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया राइट एनालिसिस स्ट्रांग नहीं था राइट तो फिर करते जाओ अगर तुमने एक पैसेज किया दो किया रोज करे दो उसका स्ट्रांग एनालिसिस किया उस पर फ्लैश कार्ड बनाए उस पर सोचा कि पर्पज़ क्या हो सकता है समरी क्या हो सकती है तो तुम देखो कि हर दिन बेहतर हो रहे हो समरी बना रहे हो ना कहीं ना कहीं तो तुमको पैरा समरी के क्वेश्चन में भी हेल्प मिल ही रही है राइट right? कहीं ना कहीं पैरा कम्प्लीशन भी बेहतर हो रहा है रीडिंग कॉम्प्रीहशन में तुमको हेल्प मिलेगी तो ओवरऑल इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द एंटायर वी आर सी का प्रोसेस राइट right? और ऑल्सो इंटरव्यूज में हेल्प मिलेगी जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत हेल्प मिलेगी ओमेट्स में हेल्प राइट सो यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली सो कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग क्रूशल है तो अंडरस्टैंडिंग क्या आप पैसेज पढ़ने के बाद समरी बना ली पापा से डिस्कस कर लिया अगर पापा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं तो बात ये उसको आप इन एनालाइज कर रहे हो उस आर्टिकल को राइट right? और मे बी विद अ फ्रेंड मेक अ ग्रुप ऑफ फोर फाइव पीपल जो सारे इंटरेस्टेड हैं मोटिवेटेड हैं टू यू नो अ क्रैक कैट राइट या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे रहे हो रीडिंग कॉम्प्रीशन तो सब में ही आता है तो आपका कुछ टाइम उस पर डिस्कशन करना आपको बहुत पॉजिटिव आउटपुट देगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा ठीक है सो so नेक्स्ट uh, हमारा एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको दिमाग में रखना है कि अल्टीमेटली जब एग्जाम में जाएंगे तो हमारा आंसर सही होना जरूरी है राइट right? सो so अपना अल्टीमेट एम आपका जब पैसेज कॉम्प्रीहेंशन में टू गेट द आंसर राइट सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस दैट द अल्टीमेट एम इज फोकस्ड ऑन रीचिंग द राइट आंसर अब ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी राइट सो दीज आर मैं रेड से लिख रही हूँ ये बहुत बच्चे करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं हम शुरू से समझाते हैं कि करते हैं पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ रीड कर लिया भाई ऐसे कैट का पैसेज कैसे निकलेगा है ना इतना डिफिकल्ट एग्जाम है इस टेकिंग यू टू टॉप आई एम्स टॉप आई एम्स के जो तुम प्रोडक्ट बन के निकलोगे तुम कंपनी के सीईओज बनोगे एमडीज बनोगे स्टार्टअप्स करोगे अपने राइट तो आई एम ऐसा तो अपना ब्रांड नहीं क्रिएट करना चाहेगा इतना रिलैक्स और इतना इजी राइट सो यू कान टेक हल्के में मैं इस पेपर ने इस साल के पेपर ने यह क्लियरली प्रूव किया यू कान टेक कैट लाइटली राइट एवरी टाइम इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इट सरप्राइज एलिमेंट एवरी टाइम इज गोइंग टू मेक द गेम डिफिकल्ट यू कान टेक इट ईजी सो माई सजेशन इज़ ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफी पढ़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज राइट या फिर यू you नो know, सिर्फ स्किम करके निकल गए ओवरऑल एजेंडा ही क्लियर नहीं हुआ का। ये फिर बहुत दिखाया passage, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स को बड़ी जल्दी रहती है वो अनरियलिस्टिक है वो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं आपको हर क्लास में सिखाऊंगी बट इतनी जल्दबाजी तो नहीं करे ना कि मुद्दे की बात क्या हुई कि प्राइमरी पर्पज का सवाल है और वो आपको समझ ही नहीं आ रहा राइट सो दैट सॉर्ट ऑफ आर फ्यू मिस्टेक्स प्लीज और जोर जोर से पढ़ने लग जाते so, I was giving a paper, मेरे पास एक बच्चा बैठा था, जोर-जोर से पढ़ रहा 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 है है में और उसके बाद उसकी नहीं 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 थी चीटिंग करने की, ने कहा, भाई क्या क्या कर रहा है तू? कह सर मेरा फोकस नहीं तो क्या फोकस नहीं तो कहते हम करें बैठता जोर-जोर से पढ़ते हैं कुछ बच्चे फोकस बिल्ड करने के लिए छोड़ दीजिए आप नहीं कर पाओगे कैजुअल रीडिंग कर रहे हो या असेंस समझ नहीं आ रहा मतलब एजेंडा ऑफ राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो फंसोगे फिर राइट आपने जो पढ़ा उस पे यू नो यू आर नॉट एबल टू क्रिएट वॉट द एंटायर पैसेज वॉज ट्राइंग टू से आप फ्लो नहीं कनेक्ट कर पा रहे कि ओवरऑल पैसेज का इंटेंट क्या था व्हाट इज दैट कॉमन आइडिया रनिंग थ्रू द एंटायर डिस्कशन ठीक है या फिर सेम सेंटेंस बार बार पढ़ना और डेलिब्रेटली स्पीड ब्रेकर सेंटेंसिस डालते हैं कि बच्चा फंस जाए वहां पे मोमेंटम लूज कर दे पर ये तुम्हारी विजडम होगी तुम्हारा इंटेलिजेंस होगा तुम्हारा प्रेशर हैंडलिंग है तुम्हारी टैक्टिक्स है तो हमें हेल्प करेंगी समझने में कि यार ये तो एक हो सकता है ट्रैप स्टेटमेंट ही दे दिया हो राइट सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू और हमारा काम आपको बताना इसलिए आप कह रहे हो कि मैम क्यों हम क्यों बता रहे हो हमको इसलिए बता रही हूं क्योंकि जाने अनजाने में अगर ये कहीं भूल करो किसी प्रोसेस में तुम याद रहे कि मैम ने कहा था ये गलती तो नहीं करनी और पहले से ही अवेयर रहोगे तो थ्रू आउट जर्नी आप अपने आप को वैसे ही सिंक और एसोसिएट कर पाओगे नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस तरह के हमारे पास मेजरली सवाल आते हैं मेजर कैटेगरी के सवाल ये हैं इसके अलावा भी आते हैं बट इनमें आपका कंट्रोल होना जरूरी है तो इन्हीं तरह के सवालों को पूछा जाता है मेन आईडिया का मतलब व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट प्राइमरी पर्पज वाई हैज़ द ऑथर रिटन द पैसेज दो अलग अलग सवाल है बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता कई बार राइट right? मैं और डिटेल में समझाऊंगी आपको इसको इन द अपकमिंग सेशन स्ट्रक्चर मतलब फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे बैठा कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज हो रहा है जैसे तुमको कोई ऐसे लिखने को कहता है तुम पहले भूमिका बनाते हो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो फिर अपना क्लेम देते हो फिर उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए तुम एग्जाम्पल्स देते हो राइट सो टोन इज हाउ इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट राइट इन्फ्रेंस क्या है क्या लॉजिकल कंक्लूजन निकालना अब इन्फ्रेंस और रिट्रीवल में भी अंतर समझ नहीं आता मैं तुमको समझाती हूँ अगर पैराग्राफ ने इंफॉर्मेशन दी है कि कोई एक इक्वेशन है ए इज इक्वल टू बी ठीक है ये उठा के एज इट इज यूटिलाइज करना तो रिट्रीवल एक्सट्रैक्टिंग इसको हम क्या कहते हैं फेचिंग द इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं आपने इंफॉर्मेशन को फेच किया ठीक है इसको हम इंफॉर्मेशन एंड आइडिया क्वेश्चन भी कई लोग कहते हैं ठीक है सो यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट एक्सट्रैक्शन है इंफॉर्मेशन उठाई एज इट इज आंसर कर ली यहां पर होता है डिडक्शन डिडक्शन मतलब तुमको इन्फर करना है तुम्हें एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है सो इट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स प्रोवाइडेड जैसे अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दू इन्फ्रेंस का अगर तुमको इन्फ्रेंस का मोटा मोटा एग्जाम्पल दू इन्फ्रेंस का और रिट्रीवल तो रिट्रीवल में पैराग्राफ ने बोला हुआ है ए इज इक्वल टू बी और कई आंसर चॉइस में सिमिलर सा ही प्रेजेंटेड होगा इन्फ्रेंस में क्या हो रहा है पैराग्राफ ने बोला ए इज ग्रेटर देन सी बी बी इज ग्रेटर देन सी और एक आंसर चॉइस बोलते ए इज़ ग्रेटर देन सी तो ये तुमने लॉजिकली कंक्लूड किया ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है सो so, क्या है रिट्रीवल में इट इज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है बस क्या करेंगे री कर देंगे री कर देंगे मतलब दूसरे वर्ड्स में प्रेजेंट कर देंगे आइडिया को आइडिया को चेंज नहीं कर रहे यहाँ पे इन्फ्रेंस में आइडिया प्रेजेंटेड नहीं है तुमको गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है राइट अपकमिंग सेशंस में और अच्छे से दिखाऊंगी वो कैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन आपको कैट में तो नहीं दिख रहे हैं काफ़ी टाइम से बट एक वर्ड का इन द गिवन कॉन्टेक्सट मीनिंग पूछ लिया ये होता है राइट सो बट इन ओमच्स यू माइट फाइंड सच क्वेश्चन सो दीज आर सम पॉपुलर क्वेश्चन कैटगरी इज वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग भी होता है इफ़ ट्रू वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स में होता है वो क्वेश्चन टाइम कैसे क्रिएट होती है वी विल डू इन द अपकमिंग सेशन्स नाउ कमिंग टू द आंसर जैसा मैंने आपको कहा कि आपका गोल है इनकरेक्ट आंसर चॉइस को एलिमिनेट करते जाना जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है राइट right? तो कौन से ग्राउंड पर एलिमिनेशन होते हैं कैसे कैसे हम इनकरेक्ट आंसर च्वासेस को एलिमिनेट कर सकते हैं ट्रैप कैसे क्रिएट होता है दिस इज ऑल्सो डैट वी आर गोइंग टू कवर राइट सो वी हैव योर बैक वी आर सपोर्टिंग यू एंड वील बी कवरिंग यू सो डोंट वरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी डिटेल में पढ़ाऊँगी पैसेज को कैसे डील करना है वो भी सेशन में सिखाऊंगी uh, किस किस तरह

कि अपनी फ्लुएंसी बढ़ाइए लैंग्वेज में देखिए थोड़ा स्ट्रगल है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैं एम्पथाइज करती हूँ पर बहुत एक साल बाद आपको पेपर देना है कैड करना नेक्स्ट नवंबर में दो के तो एक साल में अगर सिंसियर एफ़र्ट करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो पर डेडिकेशन की ज़रूरत है अगर आपको लैंग्वेज आती है तो बस को मोमेंटम बिल्ड करना है राइट होता क्या है कि स्टूडेंट्स को मैथ्स आसान लगती है इसलिए क्योंकि मे भी आप मैथ्स हर दिन अप्लाई कर रहे हो राइट गाड़ी चला रहे हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कहीं तो अप्लाई हो रहा है देख रहे हो कि यार अब मिंत्रा पे सेल आ गई है ना आई शुड बाय समथिंग नाइस और आई कैन आस्क माय मॉम राइट सो देन यू आर बेसिकली डूइंग अ कैलकुलेशन राइट वेंडर से कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस कई सब्जी लेते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर ही रहे हो बट इंग्लिश का थोड़ा सा हमारा यू नो यूसेज कम है जस्ट लिमिटिंग टू प्रोफेशनल मेल्स या फिर अकेडमिक से रिलेटेड और कैट के परस्पेक्टिव और एंगल्स से थोड़ा सा हम देख कम रहे हैं बट अगर हम यू नो स्किल बिल्डिंग पे काम करेंगे तो डेफिनेटली अक्वायर कर सकते हैं राइट सो पैसेज को इम्ब्रेस करना है कैसे एक्टिव रीडिंग करनी है मैंने तुमको बताया है समरी कर लो पैराफ्रेजिंग क्रिएट कर लो उससे आपको यू you नो know, uh, पकड़ आने में पकड़ आना शुरू हो जाते हैं पैसेजेज राइट वो कैबलरी बिल्डिंग की स्ट्रैटेजीज बताई हैं दोनों सॉलिड स्ट्रैटेजीज़ हैं टू बिगिन विद राइट ऑनलाइन रीडिंग करिए ये भी इम्पॉर्टेंट है राइट right? जितना हो सके ऑनलाइन रीडिंग करिए क्योंकि होता क्या है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ठीक है वैसे तो हेल्प मिलेगी पर स्टूडेंट्स को वो मुश्किल लगता है पैराग्राफ को रीड करना फ्रॉम द पैसेज तो वो कई बार यू you नो know, वो बड़े से जिटरी हो जाते हैं या यू नो कंसनट्रेशन नहीं बैठता आंखें दर्द होती हैं तो आप जितना जल्दी खुद को अलाइन कर लोगे उतना एग्जाम के दिन आपको जोर कम आएगा राइट उसके बाद अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट पढ़िए राइट इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छा है सो so, न्यूज़ पेपर्स को आप रीड करोगे और न्यूज़पेपर्स में कोशिश करो एडिटोरियल को रीड करने की राइट तो एडिटोरियल्स जब हम रीड करते हैं तो हमको अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स मिलते हैं तो उससे हमारा यू नो एक्सपोजर बढ़ता है तो मे बी इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू फाइंड इजी और मे बी दस दिन बारह दिन पंद्रह दिन बाद दूसरा डिफिकल्ट टॉपिक फिर पाँच छः दिन बाद फिर एक डेढ़ महीने बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरा ग्राउंड वर्क हो गया यू कैन स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स ऑल्सो ठीक है और ख़ुद के मेंटल बैरियर्स नहीं बनाने ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को नहीं आती इंग्लिश मेरा क्या होगा या मेरे को तो आता है इंग्लिश में जो मुझे पढ़ना ही क्या है दोनों तरह के एक्सट्रीम

तक का फिर आप बहुत टाइम लूज कर चुके होंगे सो डोंट हैव एनी मेंटल बैरियर्स डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ राइट अपने आप को खुद आप खुद रिस्ट्रिक्ट करने लग गए तो फिर तो बात कैसे बनेगी राइट right? और प्रैक्टिस का कोई सब्सटिट्यूट नहीं है कोई मेरे पास कोई मैजिक पिल नहीं है कि आप कंसिस्टेंट रीडिंग नहीं करोगे वेरियड रीडिंग नहीं करोगे और एग्जाम के एक दिन पहले यू you नो know, बात बन जाएगी नहीं बनती यार ठीक है सो केयरफुल रीडिंग करो एक्टिव रीडर uh, रहो ट्रांजिशन वर्ड्स को ऑब्जर्व करो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और डिटेल में सिखाऊंगी राइट right? और एक सेंटेंस को बार 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 नहीं पढ़ना वो एक मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं अब कहाँ से पढ़ना है ये भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है तो न्यूज़पेपर्स में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं राइट आप इनको ऑनलाइन पढ़ सकते हो दोनों एक ही दोनों पढ़ने नहीं एक ही पढ़ लो कौन सा पढ़ें इन दोनों में बेहतर कौन है दोनों बढ़िया है आपकी आइडियोलॉजी जिससे अलाइन होती है उससे कर लो और बिल्कुल बिगना हो तो अभी के लिए हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी आता है दो तीन महीने पढ़ लो एंड देन ग्रेजुअली यू कैन ट्रांजेक्शन आपको भाषा समझ में आती है लैंग्वेज समझ में आती है तो आप इनको बिगिन कर सकते हो राइट right? अब कौन सी ईन ऐसे पढ़ो इकोनॉमिस्ट इस बार कैट में एक पैसेज आया है इकोनॉमिस्ट से डायरेक्टली उठाया हुआ था राइट right? तो ईन साइट्स uh, हैं ये यहाँ पर आप विजिट करोगे ईन को गूगल पर टाइप करोगे पैसेजेस आ जाएंगे टाइप्स आ जाएंगे तो आप वहाँ पे पैसेजेस रीड करो ईन तो बहुत ही अच्छा सोर्स है इकोनॉमिस्ट uh, भी बहुत अच्छा सोर्स है ये साइट्स से आप ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हो अगर आप uh, बिल्कुल ही मुश्किल में हो और फिक्शन दो मेरा खुद की पर्सनल सजेशन रहता है कि फ़िक्शन पे आते नहीं आर्टिकल्स और फिक्शन प्लेजर ज़्यादा देता है बट क्योंकि अगर आपके बिल्कुल ही स्ट्रगल है रीडिंग का और आप कहो कि मैम फिक्शन से क्योंकि थोड़ी स्टोरी टेलिंग हो जाती है तो थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा तो उस हिसाब से अगर आप फिक्शन पढ़ना चाहते हो तो दीज आर सम गुड बुक्स ये थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स मैंने पढ़ी है बहुत ही सुंदर किताब है यू विल लव रीडिंग इट टू किल अ मॉकिंग बर्ड दूसरा रिकमेंडेशन है एनिमल फार्म भी अच्छी है एल्केमिस्ट तो बेस्ट सेलर है पाउलों को ले हो की तो ये बुक्स आप फिक्शन के लिए पढ़ सकते हो ठीक है और नॉन फिक्शन रीडिंग में सेपियंस इज एन अमेजिंग अमेजिंग बुक इट्स अ मस्ट रीड आपको इतना मज़ा आएगा एक नॉन फिक्शन बुक इतनी कैप्टिवेटिंग हो सकती है वो आप ये पढ़ के देखोगे सो हाईली हाईली रेकमेंडेड एंड यू गोइंग टू थैंक मी की थैंक यू सो मच मैम आपने ये बुक रिकमेंड करी हमको राइट फ्री इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मैनेजमेंट के लिए अगर तुम यू नो फ्यूचर मैनेजर बनोगे लीडर बनोगे बहुत रिकमेंड करते हैं इनफैक्ट जब हम सेशंस कई बार

चलिए सो so अब हमने ग्राउंड वर्क कर लिया है पूरा एजेंडा आपके लिए सेट कर दिया है अब हम क्या करेंगे अब हम एक एक्चुअल पैसेज uh, का सॉल्व uh, करते हैं दिस वाज आज इन कैट 2017 तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करके सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ठीक है चलिए सो वैन वी रीड द पैसेज आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि अगर तुम लोगों को एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ना हो टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी लेवल तो आप कर सको आप स्क्रीन को पॉज कर देना रीड कर देना अगर आपको खुद से करना है नहीं तो यू कैन ज्वाइन मी ऑल्सो इन रीडिंग सो आई यूज टू आई यूज़ अ स्मार्टफोन जी पी एस टू फाइंड माई वे थ्रू द कॉबल स्टोन मेज ऑफ जीनीवा ओल्ड टाउन इन सर्च ऑफ अ हैंडमेड मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड मोर देन अदर इन्वेंशन तो ऑथर किसी रोड को ट्रैवल कर रहा है टू फाइंड समथिंग और उसके हाथ में जी पी एस है ठीक है जिसने और उसको ढूंढ रहा है जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया तो so, हमेशा जब भी पैराग्राफ पढ़े Yeah, how to read the passage is the next topic of the class i uh, may detail my but just to begin with just focus on what the statement is trying to convey right so the author is looking for something that changed the world so near a 13th century cathedral cathedral is church right in this swiss city ऑन द शोर्स ऑफ लवली लेक आई फाउंड वट आई वॉज लुकिंग फॉर तो ऑथर क्या ढूंढ रहा है गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस तो यहाँ से सिर्फ बैकग्राउंड एस्टेब्लिश हुआ और पता चला कि ऑथर गटनबर्ग प्रिंट प्रेस को ढूंढ रहा है तो मैं क्या करती हूँ जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना थोड़ा सा स्क्रैच पेपर वर्क करो थोड़ा सा यू नो रफ़ वर्क करो पेपर पे आपको अच्छा खासा एक यू नो बुकलेट मिलता है रफ़ पेपर करने का और इतना अनफॉर्चुनेट है बच्चे वो आधी से ज़्यादा खाली छोड़ देते हैं तो जब हम थोड़ा सा लिख कर करते आप sure आई एम श्योर अपने अपनी स्कूल में भी जब कभी आप हिस्ट्री के क्लास में बैठे होते थे या इकोनॉमिक्स पढ़ते हो जब लिखना चालू करते हो टीचर जो बोल रहे हो उसके नोट्स बनाते हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट रिमेंडसली इंक्रीज़ हो जाता है और अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू स्टैब्लिश राइटर्ग में यहाँ पर उसको प्रिंटिंग प्रेस ढूंढ रहा था तो वी वर लुकिंग प्रेस दिस वॉज द इंटरनेट ऑफ इट्स ने इसको, कैसे किया है? इसको बोला इंटरनेट ऑफ इट्स डे मतलब अपने टाइम का यह इंटरनेट था तो आपसे पूछे इंटरनेट ऑफ द डे क्या बताया था तो हर हाँ टाइम पे ना जब रीड करो ना क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि अगर मेरे को ये मिल जाता क्वेश्चन क्रिएशन के लिए तो मैं क्या क्वेश्चन बनाती तो फिर ये बना सकते हो आप कि कि कहाँ पे था ऑथर एक ओल्ड टाउन को नेविगेट कर रहा था क्या ढूंढना चाहता था एक गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस राइट और गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस को किससे कंपेयर किया गया इंटरनेट ऑफ द डे एटलीस्ट एज इंफ्लुएंशियल एज आईफोन तो क्या व्हाट वाज एज इंफ्लुएंशियल एज आईफोन प्रिंटिंग प्रेस व्हाट वाज इंटरनेट ऑफ द डे प्रिंटिंग प्रेस ये किसने बोला गेब्रियल डी मोन्टेमलन ने कौन है गेब्रियल डी मोन्टेमन ये डायरेक्टर है ऑफ द म्यूजियम ऑफ रेफॉर्मेशन टॉइंग टॉइंग मतलब प्लेइंग टॉइंग मतलब ही वॉज प्लेइंग विद द रेप्लिका रेप्लिका मतलब कॉपी ऑफ जोहान गटनबर्ग ग्रेट इन्वेंशन तो गटनबर्ग का ग्रेट इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस ये येब्रियल डी मोन्टोमेलन है ये म्यूजियम के डायरेक्टर हैं इन्होंने क्या कहा कि ये कंपेरेबल था टू एन आईफोन एंड इट वॉज इंटरनेट ऑफ द डे राइट तो जैसे आपसे पूछे किसने ये बोला था इंटरनेट ऑफ द डे यू कैन कम यू कैन से कि भाई इन्होंने बोला था गेबरियल डी मोन्टोमेलन ने यही एक्टिव रीडिंग है और क्या मतलब है एक्टिव रीडिंग का राइट सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इट यूज टू टेक फोर मंथ्स

तीन हजार पन्ने एक दिन में लिखे जा सकते हैं so तो दैट वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज वॉट प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉड ठीक है तो अब एक बार आपने पैराग्राफ कंप्लीट करा अब आप आपने एक मेंटल मैप क्रिएट कर लिया कि अच्छा क्या बात हुई थी इसमें कि एक ऑथर कहीं तो घूम रहा है आ, ढूंढने के लिए क्या ढूंढने के लिए पहला सेंटेंस ने कहा एक ऐसा इन्वेंशन जिसने वर्ल्ड को चेंज किया फिर फाइनली उसको गार्टनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस मिल गई वहाँ के डायरेक्टर ने उसको कंपेयर करा विद द इंटरनेट ऑफ इट्स डे और कहा कि इट वाज टू वॉज इक्विलो एटलीस्ट एन आईफोन और उसके बाद उसने कहा कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस चार मार्क्स यूज टू तो राइट अ बुक एंड इट यूज टू टेक दम एन ईयर और प्रेस आने के बाद यू कुड राइट थ्री थाउजेंड वर्ड्स अ डे चलो सो एल अगेन स्टेप असाइड आप अच्छे से रीड कर लो है ना एंड इन केस आपको लगे कि और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप स्क्रीन को पॉज कर लेना सो बिफोर लॉन्ग एवरेज पीपल कू ट्रेवल टू प्लेसेस दैट यूज टू बी अनोन टू देम यूजिंग मैप्स मेडिकल विद मैप्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन पासड मोर फ्रीली तो यानी कि तो सारी एडवांटेजेस बता है ना कि प्रिंटिंग प्रेस के बाद क्या क्या एडवांटेजेस आई तो क्वेश्चन पूछ ले क्या क्या एडवांटेजेस आई यहाँ पे आके रीविजिट कर लेना शक्तिमान मत कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को याद रह जाए याद नहीं रहेगी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एंड वी विल कम टू वेरीफाईट एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन बट ऑफकोर्स वी आर गेटिंग दिस दैट दिस एंटायर पैराग्राफ और दिस फ्यू लाइन्स आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट दैट है ह्यूमन काइंड पोस्ट

फ्रॉम अ वर्जन ऑफ द सेम प्रेस अमेरिकन कॉलोनी जो पोएट्स ने ऑथर्स ने पर्चे बांटे पैम्पलेट बांटे उससे लोगों के यू you नो know, जो थॉट प्रोसेस थे वो ओपन अप हुए राइट एंड दे रेज दियर वॉइस तो किसने हेल्प करा दे रोज अप अगेंस्ट अ किंग एंड गेव बर्थ टू अ नेशन तो प्रिंटिंग प्रेस ने कैसे विद यू नो प्रपोगेटिंग द आइडिया प्रिंटिंग प्रेस से आइडियाज प्रपोगेट हुए राइट right? uh, क्रांतिकारी विचार लोगों तक पहुँचे और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई एंड दैट लेड टू बर्थ ऑफ अ नेशन सो अ क्वेश्चन इन द समर तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में एडवांटेजेस दे दी कि प्रिंटिंग प्रेस से क्या क्या फायदा हुआ तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं सो अ क्वेश्चन इज कि अब दसवीं एनिवर्सरी आईफोन की हैज द डिवाइस दैट इज परैप्स द मोस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ ऑल टाइम गिवन एस अ सिंगल मैग्निफिसेंट आइडिया देखो प्रिंटिंग प्रेस ने तो इतना कुछ किया और दसवीं एनिवर्सरी आईफोन किया क्या इसने इतना कुछ यू you आई know, इतने मैग्निफिसेंट स्केल पर किया तो कैसे आंसर करते हैं नियरली एवरी एडवांसमेंट ऑफ द रिटर्न वर्ड थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस्ड ह्यूमन काइंड श्योर यू कैन से आई फोन चेंज एवरीथिंग तुम कह सकते हो आईफोन ने सब कुछ चेंज किया बाय पुटिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड नॉलेज इन द पाम ऑफ हैंड रेवोल्यूशनाइज वर्क डाइनिंग ट्रैवल सोशलाइजिंग इट इट मेड अस मोर नार्सिस्टिकार खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं राइट दैट इज नार्सिज्म सो हियर इज मोर ऑफ मी डूइंग कूल स्टाफ एंड इट अनलिस्ड एन आर्मी ऑफ ओफुल ट्रोल्स ट्रोलिंग तो आप मेरे से बढ़िया समझते हो सो वी नो लॉन्गर हैव द पेशेंस टू सिट थ्रू अ बेसबॉल गेम तो ये उसने कहा कि हाँ दुनिया को पार्म ऑफ देंड में ला के रख दिया Uh, पर उसने कहा कि अब हमारे पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि हम एक बेसबॉल गेम देख सकें विदाउट रीचिंग द फ़ोन मतलब हम फ़ोन को ज़रूर रीच आउट करने की कोशिश करते हैं और एप्पल uh, ने इतने बिलियन फोन्स बेच दिए तो डे ड्रीमिंग इज़ अ लॉस्ट आर्ट मतलब अब लोगों ने फ़ोन पे ही लगे रहते हैं तो फोन ने वो पर्सनल स्पेस को ले लिया या एडिक्टिव बना दिया ऐसा पैराग्राफ कहना चाहता है अब आपको कहीं ऐसा लगे कि ये तो मैंने हमारी मम्मी भी कहती है तो मेरी भी कहती है राइट और मैं भी कहती हूँ सो ज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ठीक है तो यानी कि अगर आप पूछो कि पैराग्राफ से किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं अगर एक्टिव रीडिंग की बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस हुई प्रिंटिंग प्रेस से फिर और क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आई फोन ने भी इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया फिर आईफोन के क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में बात करी और फिर ये बोल दिया कि हाँ लोगों ड्रीमिंग इज अ लॉस स्टार्ट और

को लगे आपको और टाइम चाहिए तो आप प्लीज़ ये पॉज कर लेना ठीक है सो फॉर ऑल ऑफ दैट आई एम स्टिल वेटिंग टू सी इफ द आईफोन कैन डू वॉट द प्रिंटिंग प्रेस डिड तो ऑथर अभी कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ने जितना किया किसके लिए रिलीजन और डेमोक्रेसी के लिए कि क्या आईफोन उतना कर पा रहा है जिनेवा म्यूजियम मेक्स अ स्ट्रॉग केस दैट प्रिंटिंग प्रेस ओपन मोर माइंड फिर एडवांटेज आ गई कि प्रिंटिंग uh, प्रेस ने दोनों लोगों ऑफकोर्स द रिवोल्यूशनरी आइडियाज द न्यू आइडियाज द इनोवेटिव आइडियाज रीच्ड प्रेस से प्रिंट होके लोगों तक पहुंचे और उससे रेवोल्यूशन आई तो कहते हैं कि क्या आईफोन ने इतना कुछ किया है इट इज़ हार्ड टू इमेजिन फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस विदाउट दोज इन लाइट वॉइस इन प्रिंट नॉट लॉन्ग आफ्टर स्टीव जॉब तो अब जब भी कहीं भी प्रॉपर नाउन आया ना थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ऑथर एक किसी दूसरे आ, पर्सन को इंट्रोड्यूस करके एक सॉलिड ओपिनियन देना चाहता है और कैट में कभी सवाल भी आ सकता है कि स्टीव जॉब्स को ऑथर ने क्यों मेंशन किया या स्टीव जॉब्स ने क्या कहा है इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इंट्रोड्यूस हिज फोन ही सेड दैट द बाउंड बुक वाज प्रोबेबली हेडेड फॉर हिज हिस्ट्रीज एटिक तो एटिक मतलब स्टोर रूम में कि अब आईफोन से जो बाउंड बुक होती है एक्चुअल फिजिकल बुक होती है वो अब रद्दी में चली जाएगी उसकी अब उतना सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा या वो पुरानी हो जाएगी आउटडेटेड हो जाएगी नॉट सो फास्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ इन ई बुस समथिंग क्लोजर टू द मीडियम फॉर चौसर्स वॉल्यूम हैज़ मेड अ ग्रेट कम बैक द होप ऑफ आई फोन एंड इंटरनेट इन जनरल तो क्या होप था कि आई फोन से या इंटरनेट से ये होप था कि दैट इट वुड फ्री पीपल इन क्लोज सोसाइटीज तो जहाँ सोसाइटीज़ जो क्लोज है मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है टू एक्सप्रेस द आइडियाज या जहाँ पे जो गवर्नेस है वो स्ट्रांग कंट्रोल रखती है वहाँ पे फ़ायदा पहुंचेगा बट तो so, ट्रांजेक्शन पे ध्यान देंगे समझाऊंगी इसको और डिटेल में आने वाली क्लास में बट द फेलियर ऑफ अरब स्प्रिंग एंड तो अरब स्प्रिंग एक uh, कोई रेवोल्यूशन हुआ था वो फेल हो गया और कंटिन्यूड सप्रेशन आइडियाज़ का नॉर्थ कोरिया चाइना ईरान में हैज़ नॉट बॉन्न दैट आउट मतलब ये उम्मीद थी कि क्लोज सोसाइटीज़ के लोग आके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे पर नहीं हुआ ऐसा द आई फोन इज स्टिल यंग इट एज सर्टनली बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड चेंजिंग एंड सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स इन हिस्ट्री एज एप्पल सी ई ओ टिम कुक सेट तो टिम कुक ने क्या कहा है कि भाई उतना तो अभी ये स्टिल वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स है पर जो होप था ऑथर के हिसाब से आई फोन का आई फोन से इंटरनेट से वो होप नहीं अचीव हुआ राइट दैट कुड नॉट बी अचीव्ड बट आई एम नॉट श्योर ऑफ द वर्ल्ड चेंज फॉर द बेटर विद आई फोन एज एट डिड विद द प्रिंटिंग प्रेस और मेयरली चेंज तो ऑर्थर को लगता है कि जैसा प्रिंटिंग प्रेस ने मैसिव रिफॉर्म लेकर आया था कि वो आई फोन वैसा लेके आया और यह सिर्फ बदलाव लेकर आया राइट सो प्रिंटिंग प्रेस तो ऑफकोर्स बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया था पर ऑर्थर को उतना इक्वल एंट इम्पैक्ट नहीं आता दिखता विद द हेल्प ऑफ आई फोन पैसेज समझ में आगे आसान था आपको ये तो रोज़ कहती है मेरी मम्मी फ़ोन को आग लगा दे हमें ही नहीं समझ में आता तो आप तो आई एम श्योर रिलेटेबल पैसेज था तो पैसेज ने बेसिकली कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से क्या रिफॉर्म्स आए थे आईफोन से एक्सपेक्टेड था कि क्लोज सोसाइटीज़ हैं वो वहाँ ओपननेस आए बट एक अरब स्प्रिंग का फेलियर हो गया और अभी भी सप्रेस्ड आइडियाज़ हैं कुछ कंट्रीज का नाम लेके गए और ऑथर uh, को ये लगता है कि आईफोन ने उतना सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना प्रिंटिंग प्रेस ने किया राइट right? तो मोटा मोटा पैराग्राफ तो आपको समझ में आ गया बस फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आना जरूरी एंड लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द समेस्चन्स सो आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आपको अच्छा सा टाइम मिल जाए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का ये भी बहुत जरूरी है ना अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए आंसर च्वासेस देखिए और देखिए कि क्या आप सॉल्व कर रहे हैं अभी मैंने जनरल रीडिंग करी है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटेलिजेंट रीडिंग बताऊंगी कि कैसे आपको हैंडल करना है

ऑथर प्रिंटिंग प्रेस वाले म्यूजियम में तो वहाँ पर यह कहा गया था ना कि uh, जो वहाँ पे हेड थे उन्होंने कहा था कि भाई वी कैन कंसिडर इट टू बी द इंटरनेट ऑफ इट्स डे राइट तो क्यों कहा था क्योंकि जैसे इंटरनेट इंफॉमेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस ने अवेयरनेस लेकर आए थे तो इट इनकरेज रीडिंग अमंग पीपल नहीं रीडिंग अमंग पीपल का पर्सपेक्टिव नहीं है इट गेव एक्सेस टू पैम्पलेट्स एंड लिटरेचर इन सेवरल लैंग्वेजेज नो दैट इज़ नॉट द रीजन वाई इट वॉज कम्पेयर इट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज इंटरनेट इज डूइंग टू सो वी विल पिक ए एज द राइट आंसर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई दिस अच्छे से पढ़ो सवाल को एक्सेप्ट को जरूर नोटिस करना तो क्वेश्चन ने पूछा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस डिड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यानी कि तीन चीजों की बात हुई है एक की बात नहीं हुई तो किसके बारे में बात नहीं करी है वो आपको फाइंड आउट करना है राइट सो प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ एनलाइट पॉलिटिक्स वो कह रहे बहुत सारे रेवोल्यूशन आए तो हां इसके बारे में बात हुई है तो ये मेरा आंसर नहीं है ऐसे फंस जाते हैं स्टूडेंट्स राइट right? और ऐसे कैट फंसा लेता है उनको एक्सेप्ट दिखता नहीं है जल्दबाजी में हाँ हाँ ये तो सही है तो पैराग्राफ के बेसिस पे वेरीफाइड है और आप आंसर मार्क करके आ गए तो क्वेश्चन

तो एबीसी मेरा आंसर हो नहीं सकता इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं जो बचेगा वो करेक्ट आंसर की तरह बिहेव करेगा सो डी इज़ द द करेक्ट आंसर लेट्स कम टू नेक्स्ट ऑफ आईफोन जहां पे आपको लगता है आप जाके इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो बिल्कुल जाओ राइट right? सो so, आपके सामने तो पैसेज स्क्रीन स्प्लट होती है तो एक साइड पूरा पैसेज चलेगा एक साइड पूरे क्वेश्चन चलेंगे तो आई एम श्योर आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी सो नॉट लॉन्गर आफ्टर स्टीव जॉब्स इंट्रोड्यूस आई फोन ईज सेट बाउंड बुक वॉज हेडेड फॉर हिस्ट्रीज एटेक लाइन पढ़ ली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आपने वही स्टेटमेंट पढ़ा अब आपको कोई इनकरेक्ट आंसर चॉइस ट्रैप में डाल ही नहीं सकती बिकॉज यू हैव वेरीफाइड द आंसर नाउ यू आर टेकिंग अ लुक एट द ऑप्शंस सो People would switch from reading on the internet to reading on the iPhones.

आई फोन कैन डू वॉट द प्रिंटिंग प्रेस डेड फॉर रिलीजन एंड डेमोक्रेसी तो ऑथर को लगता है कि आई फोन ने उतना नहीं किया जितना प्रिंटिंग प्रेस ने किया और उसे कहा था कि जो होप था प्रिंटिंग प्रेस से आई फोन से वो ये था सॉरी आई फोन से नही जो होप था इंटरनेट से और आईफोन से प्रेजेंट सिचुएशन में वो था कि जो क्लोज़ सोसाइटीज़ है वहाँ पे लोग अपना आइडिया एक्सप्रेस कर पाएंगे पर फिर ऑथर ने कहा अरब स्प्रिंग फेलियर हो गया और अभी भी कई कंट्रीज़ का नाम लेके कहा कि यहाँ पे इट इज़ अ क्लोज सोसाइटी एंड पीपल आर स्टिल यू नो अंडर यू नो ऑपरेशन सो मतलब ऑथर को लगता है कि प्रिंटिंग प्रेस ने जितना कंट्रीब्यूट किया आईफोन उतना नहीं कर पाए तो द राइज ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन मेनी पार्ट रिलीजियस ग्रुप का राइज तो नहीं है दैट्स नॉट द रीजन एक्सपेंशन इन ट्रोलिंग नो द कंटिन्यू सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच इन क्लोज सोसाइटीज़ यही तो वो चाहते थे होप था बट ये नहीं कर पाया तो इसलिए उनको लगता है कि दिस वॉज नॉट आई फोन एंड इंटरनेट हेज नॉट बीन एज इफेक्टिव एज प्रिंटिंग प्रेस वॉज तो सी को रखेंगे डिक्लाइन इन रीडिंग हैबिट्स अगेन वी कॉन्ट सी सो सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए लेस्ट टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन प्लीज रीड दिस ट्राई दिस सो द ऑथर एट्रीब्यूट फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन टू द प्रिटिंग प्रेस मैप्स इनेबल लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस नहीं नहीं फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन मैप्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपोज पीपल टू न्यू आइडियाज ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज लोगों तक पहुंचे इट इंकरेज रिलीजियस फ्रीडम तो रिलीजियस फ्रीडम और फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन आर नॉट मैचिंग राइट इट मेड अवेलेबल रेवल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटीज नहीं उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया माइट बी अ ट्रैप आंसर चॉइस बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थी राइट सो स्ट्रैटीज अवेलेबल करा दी कैसे लड़ाई लड़नी है दिस इज यू नो वर्ड ही एंड अननेसेसरीली पुटिंग यू इन ट्रैप सो बी इज द राइट आंसर ठीक है सो इफ यू ब्रिंग दिस डिस्कशन टू एन एंड ध्यान रखिए रीड करिए राइट एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट सोर्सेज रिकमेंड कर दिए हैं वो कैबलेरी बिल्डिंग के लिए अभी दो स्ट्रैटेजीज बताई हैं एक रूट वर्ड बताया है राइट बुक रिकमेंडेशन कर दिए एक फ्लैश कार्ज बनाए इस पर इम्प्लीमेंटेशन करिए और तीसरा कोशिश करिए एक्टिव रीडिंग करें जब भी कोई पैसेज को रीड करें उसको पैराफ्रेज करें उस पर सोचें किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं और अब आने वाली क्लासेज विल बी टॉकिंग